दोस्तों आपने अगर हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर ले और बगल वाले घंटे को भी दबा दें, क्योंकि हम लाते रहते हैं नए नए बिजनेस आइडियाज और नई नई जानकारी केवल आपके लिए। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप रजिस्टर किताबें बनाने का बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं। बहुत ही फायदेमंद बिजनेस है, हमेशा किताबें बिकती हैं। आपके घर में जितने भी बच्चे होंगे, जो भी पढ़ने वाले लोग होंगे, आपका भाई हो, आपकी बहन हो, आपके घर में आपके बच्चे हों, वो सभी किताबें जो हैं रजिस्टर और किताबें हमेशा खरीदते होंगे। 40-50 रुपये का एक एक रजिस्टर आता है आज के टाइम पे। तो ये बहुत ही फायदेमंद बिजनेस है, इसके बारे में आज सारी जानकारी आपको देने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि रजिस्टर बनते कैसे हैं, रजिस्टर कापियां कैसे बनती हैं, कौन कौन सी मशीन चाहिए। उसके बाद मैं बताऊंगा उन मशीनों के रेट क्या हैं, कितने की मशीन है, और उसके बाद में मैं आपको फ़ोन नंबर दूंगा, सारा खर्चा बता के मैं आपको फ़ोन नंबर दूंगा उनका, जो ये मशीन्स और ये रॉ मटेरियल जितना भी आता है रजिस्टर कॉपियाँ बनाने के लिए, ये सब आपको प्रोवाइड कराएंगे। उन सभी के फ़ोन नंबर भी मैं आपको दूंगा। देखिए, नोटबुक्स या किताबें बनाने के लिए सबसे पहले आपको रॉ मटेरियल खरीदना पड़ता है। रॉ मटेरियल की जो कीमत है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये आपको जिससे आप मशीन लेंगे वही आपको सारा रॉ मटेरियल प्रोवाइड करा देगा। 62 रुपये किलो रॉ मटेरियल आता है वाइट पेपर। सबसे पहले तो वाइट पेपर क्या होता है जी, वाइट पेपर वही पेपर है जो नोटबुक्स के बीच में लगाया जाता है कटिंग करके, जिससे कि पूरी नोटबुक तैयार होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले 62 रुपये किलो आपको ये वाइट पेपर पड़ेगा, जिसके अंदर आप 7 किताबें बना सकते हैं। और ये वाइट पेपर के बाद में, इसके बाद आपको खरीदना होता है रॉ मटेरियल इसके साथ में, बाहर का जो गत्ता होता है, इस गत्ते को आप चाहें तो खुद भी प्रिंट कर सकते हैं, पर खरीदना ज़्यादा सस्ता पड़ता है। 1 रुपये का एक नोटबुक का पड़ता है गत्ता। तो इस हिसाब से 7 रुपये का वो हो गया, और 62 रुपये किलो में 70 रुपये में आपकी 7 नोटबुक जो है वो रॉ मटेरियल आ गया। 70 रुपये में रॉ मटेरियल आ गया 7 किताबों का। अब इसके बाद में शुरू करते हैं किस तरीके से नोटबुक बनती हैं, कौन कौन सी मशीन चाहिए। देखिए, नोटबुक बनाने के लिए आपको सबसे पहले जो है वाइट पेपर को गत्ते के अंदर डालना है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं किस तरीके से इसने गत्ते के अंदर वाइट पेपर को बिल्कुल इकसार तरीके से डाल दिया, इसी तरह से सबसे पहले ये वाइट पेपर जो है गत्ते में डाला जाता है। ये गत्ता भी मैंने आपको बता दिया, रॉ मटेरियल में पहले से ही आएगा सब कुछ। बहुत ही आसान काम है ये। डालने के बाद में जिस तरह से आप देख सकते हैं इसमें पिन लगाई जाती है, ये मशीन है, इसका इस्तेमाल किया जाता है, और ये पिन लगाने के लिए मशीन का इस्तेमाल होता है। ये मशीन कई तरह की आती हैं, कुछ सस्ती आती हैं, कुछ महंगी आती हैं, वो उसी हिसाब से काम करती हैं जैसे उनका रेट होता है, जैसे उनका साइज होता है। अब आप देख सकते हैं इसमें पिन लग चुकी है, इससे क्या होता है, इसे जो है चकोर किया जाता है, नीचे से इकसार किया जाता है बिल्कुल, जो नीचे की तरफ आप देख पाएंगे यहाँ पे बिल्कुल इकसार कर दिया जाता है प्लेन। तो इस मशीन का इस्तेमाल होता है जिसमें नीचे रोलर होते हैं, इससे इकसार किया जाता है इस तरीके से इसमें किताबें ये जो डाल के सारी। अब इसके बाद में जो चीज़ शुरू होती है वो होगी इसके बाद में कटिंग की। पहले आप देख लीजिए ध्यान से किस तरीके से इसे रोलर में डाल के थोड़ी देर रखा जा रहा है ताकि ये नीचे से बिल्कुल सही तरीके से इकसार हो जाए। अब आप देख सकते हैं ये बिल्कुल इकसार हो चुकी है, नीचे से सारी नोटबुक को इकट्ठा डाला गया इसके अंदर। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल इकसार हो चुकी है सारी किताबों को, और यहाँ पे इन किताबों की कटिंग होगी। जो रॉ मटेरियल था वो तो जुका तो आ गया, हमने सिर्फ इसमें पिन लगाया है, कागज डाला है, और अपना इसकी कटिंग कर देंगे हम, और हमारा रजिस्टर बनके तैयार हो जाएगा। तो देखते रहिए इस वीडियो को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से इकसार करके पहले इन्हें अंदर रखा गया, यहाँ पे इनकी कटिंग शुरू होगी। इससे इसकी कटिंग होती है, वहां पे बिल्कुल सेट करना पड़ता है कि किस जगह पे आपको कटिंग करनी है। तो ये आप देख सकते हैं इन्होंने इस तरीके से इसे बिल्कुल इकसार तरीके से रख लिया है। अब ये इन्हें इस मशीन के अंदर डालेंगे, और ऊपर एक ब्लेड होगा, बहुत ही ज़्यादा तेज ब्लेड होता है वो, जो एक बार में इसे काट देगा सारी की सारी किताबों को। तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से इन्हें निकाल के रख रहे हैं अभी। अब देखिए, अब इस तरीके से इन्हें रखा गया बिल्कुल इकसार करके, और ये इन्होंने, ये देखिए ये ब्लेड चल गया, ये आप देख सकते हैं पूरा भारी ब्लेड होता है ताकि इकसार एक बार में काट दे। और हमारी किताबें जो है कट के तैयार हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं ये काम हमारा हो गया कंप्लीट। हमारा रजिस्टर जो है बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है। अब हमें कुछ नहीं चाहिए, डायरेक्ट हमें इसे बेचना है और कुछ नहीं करना, रजिस्टर बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है। तो अब इसे थोड़ा सा ये इकसार करेगा, जो फालतू की चीज जगह जहां भी होगी उसे ये सही से ब्लेड से कट कर देगा। आप देख सकते हैं ये फिर से वही कर रहा है, ये देखिए फालतू का सब कट हो गया बिल्कुल, और हमारा रजिस्टर बनके बिल्कुल तैयार हो चुका है।
अगर आप भी यह बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उनसे कॉन्टैक्ट करके कोई भी जानकारी ले सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, इससे हमारे चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे उसकी सूचना आपको मिल जाएगी। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपकी वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नए नए बिजनेस आइडियाज पहुंचे सबसे पहले आपके पास।